चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बीजेपी किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और किसान मोर्चा के प्रदेश सह प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर बजरंगी यादव ने सीएम भूपेश बघेल के यूपी में चुनाव के दौरान किए गए दौरे को लेकर हमला बोला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ के किसानों के हालात को लेकर आए दिन किसान मोर्चा उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहा है और उस पर हम विस्तार से आज कांकेर में 2 दिवसीय कार्यक्रम किसान मोर्चा का रखा गया है, उसमें विस्तार से चर्चा होगी और उसमें अभी तक का जो हालात है, जो स्थिति है, ये सरकार का क्रय करने का हो या गौ पालकों के साथ हो, किसानों के साथ हो, तमाम समस्याओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। यह सरकार को, बघेल सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे और इस तरह स्कूटी पर चारा घोटाला जो लालू के तरह बिहार के तरह जो चारा घोटाला कर रहे हैं, ऐसे घोटाला का उजागर करेंगे और इन्हें